ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब पॉपुलेशन 34 करोड़ थी और आज पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है। फिर भी हम बंधुत्व की भावना से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत प्यार से जीते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रूट में है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा बंधारण, जो 1950 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पेश किया था 26 जनवरी को। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यही बंधारण के चलते आज देश इतना मिलजुल कर रह रहा है। उसी बंधारण में एक पर्टिकुलर अलग एक क्लोज था, आर्टिकल 37, और ये स्पेशल स्टेट का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को दे रहा था, और उसके कारण एक ही देश में एक स्पेशल स्टेट होने के कारण दो राष्ट्रध्वज, दो सरकार और दो तरह से पूरा संचालन होता था। 2019 में जब बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 को निकाला, तब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट में यह केस हुआ कि आर्टिकल 370 वापस डाल देना चाहिए। आर्टिकल 370 आने के बाद एक ही देश का बंधारण पूरा एक हो गया और जम्मू एंड कश्मीर वापस भारत का पूर्ण हिस्सा हो गया। सो ऐसा क्या था जिसके कारण आर्टिकल 370 में, जिसके कारण देश में अराजकता थी, या जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट का हिस्सा था, या वहाँ पे जो भी केओस था वो केओस क्यों हो रहा था? पहले रूट में मैं थोड़ी बात बता देता हूँ। वहाँ की जो भी जनता थी, वो जनता के पास राइट थे कि वो वहाँ की ज़मीन पे अपना खुद बिजनेस कर सके। पूरे इंडिया से कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया में कहीं भी ज़मीन खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर की लड़की अगर इंडिया में किसी के साथ शादी करती थी तो जम्मू एंड कश्मीर में से उसका हिस्सा चला जाता था, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया से कोई भी लड़की जम्मू कश्मीर के लड़के के साथ शादी करती थी तो वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन सकती थी। और आर्टिकल 370 के चलते सबसे बड़ी बात यह थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेट का डिवीज़न था उसमें जम्मू के पास 36 सीट्स थी विधानसभा की, कश्मीर के पास 46 सीट थी। कभी ना कभी कश्मीर ही वो स्टेट जीत, वो हमेशा के लिए स्टेट में जीतता था और सब राइट्स कश्मीर के विधानसभा के जो मंत्रियां थे उनके पास थे, और इसीलिए कश्मीरी पंडितों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। भाजपा सरकार ने वो एरिया में जो काम किया वो तो किया ही, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 370 की बहुत इम्पोर्टेंट एक कड़ी की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट यह था कि जिसमें राष्ट्रपति के पास सत्ता थी कि वो जब भी चाहे तब आर्टिकल 370 को वो नाबूद कर सकते थे। लेकिन मजा की बात क्या थी? मजा की नहीं, दुख की बात। दुख की बात यह थी 1950 से 1960 के बीच में कश्मीर के विधानसभा में बहुत गुप्त राह में एक क्लोज, जो डी क्लोज था, जिसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास वो सत्ता है कि वो आर्टिकल 370 हटा सकता है, वो पूरा क्लोज ही मिटा दिया गया। और क्लोज यह गया आ गया कि विधानसभा तय करेगी कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की, कि ये क्लोज निकालना या नहीं निकालना, जो किसी को पता नहीं था। और इसके कारण लास्ट 70 इयर्स से आर्टिकल 370 निकालना नामुमकिन हो चुका था, और ये बात मुझे भी नहीं पता थी। मैंने खुद आर्टिकल 370 देखा। हो सकता है कुछ मरी मसाला या कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको लग सकता है कि यह मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बंधारण को लेकर, विधानसभा में, राज्यसभा में, खास करके राज्यसभा में जो चर्चा हो रही है अमित शाह और दूसरे कार्यकरों के बीच, वो जरूर सुनने जैसी है। प्रिया मणि का रोल जो है पीएमओ ऑफिस में असिस्टेंट का, यामी गौतम का जो रोल है, और ख़ास करके 370 के आजू बाजू जिस तरह से पूरी मूवी पूरी घूम रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमन और शांति जो कश्मीर में आज है वो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि फंड स्पेशल स्टेट्स के चलते केंद्र जम्मू एंड कश्मीर को देती थी, लेकिन वो फंड का यूज़ कहीं और होता था।
आज रेस्ट ऑफ इंडिया से कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, और उतना ही नहीं, वहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म्स बढ़ रहे हैं। ये मैं बात पूरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने 370 आर्टिकल की बात की, लेकिन मैं लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ, इसलिए मैं एक बात और कह देता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर जो हमने देखा, जिसके कारण 370 कलम निकली और राष्ट्रपति ने उसके ऊपर जो स्टैंड लिया, सेम वे हमारा खुद का, एज अ फैमिली का, एज अ ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो खुद व्यक्ति, उसका फैमिली या उसका ऑर्गेनाइजेशन और आगे चल के देश एकजुट होकर बंधुत्व की भावना से जो जीना चाहिए वो नहीं जी पाएगा। सो मेरा आपको इन्विटेशन है, मेरा आपको रिकमेंडेशन है, भले आप कांग्रेस की तरफ से हो, आप भाजपा की तरफ से हो, जिस तरह से मूवी को डिज़ाइन किया गया है, कोई भी अगर नया लॉ पास करना हो या लॉ में अमेंडमेंट करना हो, तो लोकसभा में पास करने के पहले राज्यसभा में उसका कंपलसरी अप्रूवल लेना पड़ता है। भाजपा सरकार के पास ये अप्रूवल लेने की सत्ता नहीं थी, क्योंकि राज्यसभा में 2019 में इतने लोग नहीं थे जो बहुमति दे पाए। अगर चाहे तो राज्यसभा में 370 का आर्टिकल नहीं निकल सकता था, लेकिन क्यों वहाँ से पास हुआ? लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत था ही, लेकिन वहाँ से क्यों पास हुआ? क्योंकि जो विरोध पक्ष के नेता थे वो भी यही चाहते थे कि हाँ, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और वही रहे, और सब एक साथ रहकर पूरे देश का विकास करें। और इसीलिए अमित शाह को कहना पड़ा कि आप खाली कश्मीर की बात कर रहे हो, मैं तो POK की बात कर रहा हूँ कि वो भी भारत का हिस्सा ही है। ये पूरी चीज़ जाननी हो, डिटेल में जाननी हो, और सही मायने में आर्टिकल 370 को लेकर जेन्युइन नॉलेज पाना हो, तो ये मूवी आर्टिकल 370 जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट।